खाली आना नहीं, दिल से वहां आना, दिल का वहां लग जाना, भगवान में दिल डूब जाना, रम जाना, तब सच्चा संगम हुआ। मतलब हम आए और रमे नहीं, संगम नहीं हुआ। संतों की भीड़ इकट्ठा हुई, लेकिन हमारा मन नहीं रमा तो उस संगम में हमने नहीं नहाया। हमारा मन रम गया, इसका मतलब हमने संतों के संगम में स्नान कर लिया। और उसका क्या फल होगा? फल तो बहुत बढ़िया होगा, समझे चाहे ना समझे, दिखे चाहे ना दिखे, पर होगा अवश्य। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो ब्रह्म वाक्य है, ये ब्रह्मवाणी है, गुरु जी की जो वाणी है ये ब्रह्मवाणी है। जो इसमें बोला जा रहा है वो बिल्कुल यथा स्थान सही है, पर ऐसा अवश्य होगा। चार पदार्थ जो कोई मांगे साधु जना की संगत लागे। चारों पदार्थ हम नहीं जा पाए ना, तो हमको बड़ा थोड़ा अंदर में उठा सोचता था कि देखो सत्संग हुआ, हम नहीं जा पाए ना। बहन जी आप जा नहीं पाई शरीर से, लेकिन चित्त से आप वही थी, क्योंकि चित्त आपको वही लगा था। तो बता तो नहीं है, तो शाम को जब पूजा ने कैसेट लगाया, पूजा ने, तो उसमें तो गुरु जी हमसे कह रहे बैल बोल भजन करवा रहे हमसे। हमने कहा कि देखो गुरु जी बता रहे हैं कि तुम हमारे साथ थे, इसीलिए तुम वहाँ नहीं गए हमारे साथ। हमको ऐसा आभास दिलाया कि गुरु जी मेरे साथ थे और हम उनके साथ थे, तो ये हमको एहसास दिलाया, हमको बहुत आराम आया। तो ऐसा ऐसी कृपा है गुरु जी की। उनका म्यूट हो गया भैया, म्यूट है आपका। आप चित्त से वही हैं, संगम में थी आप। गुरुजी ने तभी तो आपसे कहा कि सत्संग चलते हैं, सत्संग में आपसे कहा वो बैल वाला भजन सुनाओ, कभी भस्मों के वस्त्र है, कभी पुष्पों की माला है, कभी सर्पों की माला है। आपने गाया भी तो था, तो आपने तो बिल्कुल संग अच्छा किया आपने। ये आप कभी मत सोचिएगा कि गुरु का वो भक्त जो हमेशा साथ रहता है और शरीर की वजह से नहीं जा पाया, तो चित्त से वो गुरु जी के उसमें शामिल है। ये आप दिल से निकाल दीजिए, ये हमारा दिल कह रहा है, ये हमारा विश्वास कह रहा है गुरु जी के ऊपर कि आप वहां शामिल थी, इसलिए आप इसको पक्का मानिए कि आप वहां थी। चारों पदार्थ हो पर उसका चिंतन ना हो तभी पदार्थ स्थाई रहते हैं। वरना चित्त अगर हम सत्संग में बैठे हैं, हमारा चित्त पदार्थों में रमण कर रहा है, तो हम सत्संग में नहीं है, हम अपनी उस मायावी जो उपलब्धि है उसके अंदर घुसे हुए हैं। हम सत्संग नहीं कर रहे हैं, हम भगवान का चिंतन नहीं कर रहे हैं, और पदार्थ कुछ नहीं है, और भगवान के ध्यान में मस्त बैठे हैं, तो भगवान जी को चिंता होगी ये तो मुझमें रमा बैठा है और इसने कोई चिंता नहीं की क्या है क्या नहीं, इसके पास चलो इसके पास पहुंचाया जाए। तो जो गुरु जी कहते ना लक्ष्मी भर जाती है कटोरी में, गिलास में, बर्तन में, सब में, ये सच्ची सच्ची बातें हैं सब। एक बार राजन ने कहा अपने घर में बाबा से अपने कि हम बाबा जा रहे हैं दुल्लू जी के यहाँ, छोटा सा था, दुतलाता भी था, कि हम बहुत कुछ लेके आएंगे आज। और जब वो आया तो मुन्नी दीदी ने कहा गुरु जी से कि आज ये कह के आया बहुत कुछ लेके आएंगे। ये आंखों देखी बात बता रहे हैं, किसी की सुनी नहीं है। तो गुरु जी ने कहा अरे आज इसने ऐसा कह के आया, आज तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, वास्तव में कुछ नहीं था उस दिन। ये बात सही फैक्ट है कि उस दिन कुछ नहीं था। तो गुरु जी बोले अरे अब तो ये कह के आया है, अब क्या करें। गुरु जी चिंता पड़ गए कि अभी राजन वहां कह के आया है बाबा से कि हम दुल्लू जी के यहाँ जा रहे हैं, बहुत कुछ लेके आएंगे। और थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं कि सिठानी जी आ रही है और उनके पीछे उनका एक कोई नौकर आ रहा है और सर पे बड़ा वो झगुआ लिए हुए है, उसमें खूब सारे पकवान वगैरह सब भरे हुए हैं। तो
पता नहीं कोई फंक्शन था उसका क्या कहते हैं वो जो भाजी वगैरह होती ना होते थे वो गुरु जी के होते नहीं आई। तो गुरु जी ने कहा राजन से चल उठा इसको, अब इतना उठा पाता वो उठाए कैसे, वो इतना भारी वो उठा ही ना पाए। गुरु जी का देखो अभी हम चिंता कर रहे थे कि एक तो ऐसा बोल के आया है और कैसे भेजे क्या भेजे, और देखो सामान उसके पास एक छोटी टोकरी में इतना सामान बांधा वो भी वो नहीं उठा पा रहा था। तो चढ़ के खिड़की में खड़ा हुआ चिल्लाया इसके, ए रिक्शा वाले आओ आओ ये हमारा सामान ले चलो बाबा के पास, ऐसे कर रहा। तो मतलब कहने का ये बताने का मतलब ये है कि गुरु जी सोच ले जंगल में बैठे हो सोच ले वहां मंगल हो जाए, खाना पीना चाय नाश्ता कॉफी जो होगा सब हो जाए। ऐसा एक बार देखा है कही है, दो बार देखा हो, हर बार देखा है बहुत बार देखा है कि जहां गुरु जी कुछ सोचते थे वो चीज आ जाती है। गुरु जी ने उसको जब भेजा राजन को तो वो भी नहीं उठा पा रहा था, तो फिर बाद में भिजवाया नीचे रिक्शे में रखवाने के लिए। और उस दिन बहुत खुश राजन भी और गुरु जी बड़े खुश, देखो भगवान कैसी बात रखते हैं। तो गुरु जी ने आपसे भजन गाने को कहा, मतलब गुरु जी आपकी ये मन की स्थिति को देख रहे थे कि देखो बहन जी के मन में चिंता चल रही है कि हम जा नहीं पाए आज शामिल नहीं हो पाए। गुरु जी ने तुरंत आपसे भजन गवा लिया, आप बताइए इससे बड़ा और किसी का क्या हो सकता है। सबने तो भजन खुद गाया और आपसे भगवान जी ने भजन गाने को कहा, और वो भी भजन कौन सा जो उनको बहुत प्रिय है। और वही भजन हम लोग सवेरे जब गए थे तो बस उसमें गाड़ी में गाते हुए गए थे और लौटते में गुरु जी ने डिमांड कर दी आपने गाया, हमने कहा ये देखो और मजा। भगवान का भजन करने से ही ये सब हो सकता है। शरीर तो झूठा है ही, अतः जो आए भोगो पर भगवान में रहो। आप भगवान में नहीं कहीं भी नहीं, आप भगवान में नहीं ये दिल से निकाल दीजिए। कल क्या हुआ कि मतलब भजन में बोला गया था कि सब लोग नाचो, तो यहाँ दूर से मतलब थोड़ा सा था ही मन में कि मतलब पास में नहीं है भगवान के, तो एकदम हुआ कि नाचो सब लोग, सब लोग नाचो। तो हमने फिर लगा नाचो, हमने कि हम भी तो सब में ही हैं, हम सुन रहे तो हम भी सब में है वहाँ पे, तो हम भी किचन में खड़े हो हम भी खूब नाचे किचन में खड़े होके। अंकल इतना आनंद आया, वो पल बड़े अलग थे, इतनी मतलब बहुत आनंद आया, अकेले नाचे पड़े वहाँ पे देख के बस उसी में इतना सुकून आ गया कि लगा कि वो चीज मिल गई। मतलब फिर मैंने तुरंत ये महिमा डायरी में भी अपने नोट करी कि मतलब वो अनुभव अंकल अलग था, बताने के काबिल नहीं, उसके लिए शब्द ही नहीं मिलेंगे मुझे बताने के लिए, लेकिन मैंने साथ में पाया कि मैं वही साथ में हूँ, तो बहुत आनंद आया। इतनी सी बात में ही मतलब लगा वही हूँ मैं। जय गुरु की। भगवान के शिष्य में आप हो और आनंद ना आए ऐसा हो नहीं सकता। आनंद नहीं आने का मतलब कि सत्संग में रम नहीं रहे हैं, और चाहे कहीं भी हो उस आवाज को सुन के आनंद ले लिया तो आपकी सत्संग में पूरी पूरी हाजिरी लगी हुई है। ये कभी ना सोचा कि हम सत्संग में नहीं है, आप सत्संग में हैं क्योंकि आप उसका आनंद ले रहे हैं, आप काम वहां कर रहे हैं, दिल आपका यार में है, सत्संग में है, भगवान में है, और आपने वहीं पर नाच करके वो बात को पूरी किया। तो क्या है ये दुनिया वाले नहीं समझ पाएंगे, जिनका चित्त गुरु जी में रमा है, जिनका दिल भगवान में रमा है, ये वो समझ सकते हैं, और ये समझाया भी नहीं जा सकता। ये जब तक खुद अनुभव नहीं करेगा तब तक उसको बता के समझाया नहीं जा सकता। जो मान लेगा कर लेगा बात को पूरी उसको मजा आएगा। मान लिया वही नाच लिया आनंद आ गया, काम पूरा हो गया, सत्संग का मजा नहीं है। काया माया बादल छाया मूरख मन काहे भरमाया। गुरु जी कह रहे काया माया बादल और छाया। काया कभी एक सेकंड टिकती है, हर सेकंड शरीर में चेंज हो रहा है। वो कई सालों बाद कोई देखता है तो बताता है इतने बदल गए, लेकिन बदलाव धीरे धीरे होता रहता है। माया क्या भरोसा, आज यहाँ है कल वहां भर जाए, और इसके यहाँ भर गई उसके यहाँ खाली हो कहीं और चली जाए। बादल कभी टिकता नहीं, आया चला गया। छाया जब तक सूरज के ऊपर बादल छाए हैं, छाव है, जैसे ही वो हटते गए धूप निकल आई। तो किसी बात का न शरीर का भरोसा है न माया का भरोसा है, जैसे बादल है छाया है कब नहीं है
तो किसी चीज का भरोसा नहीं है। भरोसा किसका है? भरोसा सिर्फ भगवान पर, सिर्फ नाम का भरोसा है, सिर्फ उनके चिंतन का भरोसा है। जितना जितना चिंतन, जितना जितना मन उसमें रमा रहेगा, उतना उतना समय हमारा वो हमारे इन्वेस्टमेंट में जुड़ेगा। इन्वेस्टमेंट मतलब उतना उतना समय हमारा भगवान के हाजिरी में लगेगा, और जो समय भगवान की हाजिरी में लगा वो समय हमारा यूटिलाइज हुआ। बाकी समय जो मैं संसार में गवाया वो तो गया, उसकी कोई गिनती नहीं। सभी लोग जीते हैं, खाते हैं, मर के चले जाते हैं, उनका काउंट नहीं होता। जो भगवान के लिए समय लगाता है, जितना समय भगवान में लगता है वो समय अपना होता है। कहते हैं जो पैसा हमने जमा करके बैंक में रखा, कहते हैं जोड़ के रखो बुढ़ापे में काम आएगा। तो जो जोड़ के रखा, जब आदमी रिटायर हो जाता है, बुढ़ा हो जाता है, तब वो पैसा उसके काम आता है। अगर जोड़ा ना होता तो काम आता नहीं आता। ऐसे ही समय जो जोड़ा हमने भगवान में लगा लगा के, वो हमारे भगवान के समय में काम आता है, जो हमको भगवान का प्रेम दिलाता है, आशीर्वाद दिलाता है। भगवान अपनी छाया देते हैं, छत्र छाया देते हैं। अरे मूर्ख मन का है फरमाया, मूर्ख जो मन है इसी में मरा है। दुनिया देखिए, समझ में आता है अब कि जो किसी को करते देखते हैं कि हम लोग भी तो ऐसे बेवकूफ थे जो करते थे दिन भर यही सब ये संसार के खाना पीना घूमना, गाड़ी चमकाना, मोटर चमकाना, अपनी स्कूटर चमकाना, इधर जाना उधर जाना, तो हासिल क्या करते थे? कुछ नहीं करते थे। समझ में कब आया, अकल कब खुली है? सत्संग में आने के बाद, सत्संग में आने के बाद आंख खुली कि हमारा समय हमने कितना खराब किया। अब तो बचा है वो तो इस्तेमाल कर ले, क्योंकि तो इतना बड़ा भगवान जी मिले, इतने बड़े गुरु जी मिले हैं, करना कुछ नहीं, खाली इनकी मानना है। जो भी कर सकने वाले होते, समर्थ होते तो बहुत पहले बहुत कुछ कर चुके होते। तो कोई समर्थ नहीं है सिवाय गुरु के, और बस उनकी मान के जो चलता है उसको वो गुरु जी सहज में ही पार लगा, सहज में ही सब उसका हो जाता। जगत की जो भी लीला हो रही है खेल समझ कर देखो, क्योंकि यह झूठा ही है, मृग तृष्णा का जल है। मृग तृष्णा का जल मतलब जैसे हम सड़क पर चलते हैं, जब बहुत सीधी लंबी सड़क पर, तो बहुत दूर आगे ऐसे पानी दिखता है, जब गाड़ी वहां पहुंचती है तो दिखता है वहां पानी नहीं, उस खाली सड़क है, ऐसी फिर थोड़ी दूर आगे दिखता है, ये मृग तृष्णा का जल है। ये लगता है पानी वहां पर सड़क पर, लेकिन पानी होता नहीं है। संसार भी ऐसे ही सच्चा भासता है, संसार सच है, लेकिन संसार सच होता नहीं है। कहां होता है? बताइए कौन सा समय, कौन सी चीज ऐसी है जो हमने देखी हो संसारिक की, जो आज हमारे पास बहुत पहले थी, आज भी स्थाई है? कहां गई? कहां गया हमारा शरीर? कहां गया वो चेहरा? सब बदल गया। अगर अपनी दो फोटो साथ रखिए, देखिए, पहचानने में दूसरे को नहीं आएगी, भले हम जानते हो कि हम यही है, लेकिन अगर हमारी बचपन की फोटो अगर हमारी माँ को दिखा के तुम हो, तो हम नहीं पहचान पाएंगे हम है कि नहीं, वो बताएगी तो हम पहचान पाएंगे। इस तरह से हर क्षण हर सेकंड परिवर्तन हो रहा है। लेकिन क्या है, जो गुरु जी की शरण में रहता है उसके लिए कहते हैं मानुष तू परिवर्तन से काहे को डरता है। तो परिवर्तन से वो नहीं डरता है जो गुरु जी की शरण में रहता है, क्योंकि वो जानता है, सच्चाई समझ चुका है कि परिवर्तन सबके साथ, हर चीज, हर समय, हर प्राणी के साथ हो ही रहा है। इसे ना हम रोक सकते हैं, ना कोई रोक सकता है। तो फिर वो परिवर्तन से इसलिए नहीं डरता कि वो जान चुका होता है, उसको बोध हो जाता है गुरु की कृपा से कि सब परिवर्तनशील है, हम भी परिवर्तन हो रहा है, शरीर हमारा बदलता जा रहा है, काले बाल से सफेद हो रहे हैं, सफेद से भी चांद निकल रही, सब ऐसा परिवर्तन का मतलब है ना, सब बदल रहा है। वो इसमें घबराता नहीं, वो एक गुरु के सहारे रहता है, कहता ठीक है परिवर्तन तो होना ही है, उसका उसको दुख नहीं होता। लेकिन जो संसारी होता है, हमने देखा है ऐसे ऐसे कि परिवर्तन से बहुत डरते हुए देखा है लोगों, और अच्छे अच्छों को देखा है, एक आधो तो हमारे नॉलेज में आईएएस है थे, अब है कि नहीं पता, लेकिन उनको हमने परिवर्तन से डरते देखा, डरते हुए देखा। बाल जा रहे हैं तो नकली डिजाइन बना बना के बाल को बचा के दिखा रहे हैं कि है नहीं, स्किप में बना रहे, इतना डर रहे हैं। और लेकिन गुरु की शरण में रहने वाला वह जानता है कि अरे सब होना है, इसका क्या करना है, क्या छिपाना है,
क्या सिखाना है, किसको दिखाना है, क्या करना है, ये तो ऐसे बदलने वाली तो ही है। जो गुरु जी बोला कि काया माया बादल छाया मूलक मन काया ब्रह्माया, जैसे बदलने वाला है इसको हम रोक नहीं सकते, तो छुपाने की क्या जरूरत, जो है सो ठीक है, भगवान जी जाने। जगत की जो भी लीला हो रही है सब खेल समझ कर देखो, तभी समझ पाएंगे खेल, तभी जबकि हम गुरु की शरण में होंगे। जब तक गुरु की शरण नहीं लेंगे ये समझ पाना हमारे समझ से तो बहुत मुश्किल। हम दुखी सुखी होते रहेंगे इस परिवर्तन को देखते देखते, लेकिन शांत नहीं रह पाएंगे। शांत कब रह पाएंगे, जब गुरु जी शरण ली होगी और ये बोध हो जाएगा कि अरे तो परिवर्तनशील है, इसकी चिंता क्या करना, चिंता निकल जाएगी। हमको हमको तो बोध हो गया जिस चीज का, जब किसी ने कहा वहां भूत है भूत है, एक बार चले गए धड़धड़ाते देखा कुछ नहीं भूत है, कोई झूठा कपड़ा हिला रहा था, दिखा रहे तो कोई कपड़ा हिला रहा है, तो निकल गया ना डर। तो गुरु ऐसे हर चीज जना देता है, सब चीज जना देता है। भगवान अपने को जना देता है कि देख मुझ में, मैं तेरा गुरु हूं, मैं ही तेरा भगवान हूं। जब वो जना देता है तो हमारे को चिंता खत्म हो जाती है, हमारे पास तो मेरा गुरु पहरेदार अंशंग आए नहीं आए, जब मेरे गुरु जी मुझको मिल गए तो मैं किस बात की चिंता, तो ये पक्का हो जाता है। ऐसा नहीं है, ये बहुत अच्छा और बहुत दृढ़ हो जाता है। और कैसे कैसी स्थितियों में कैसे कैसे गुरु जी बचाते हैं, सबको अनुभव है, बहुतों को अनुभव है, हर एक को अनुभव है। जगत में जिन्होंने भी आज महल तो महले बना डाले, बुढ़ापे में उनका कोई साथ नहीं देता, अतः बुढ़ापा आने से पहले ही भजन कर लो, जगत के चिंतन से ही भजन समाप्त हो जाता है, अतः जगत की चिंता छोड़ो। कह रहे हैं गुरु जी कि महल तो महले एक दो तीन कितना बना डालोगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि ऊपर ऊपर के छत के ऊपर जा भी नहीं पाओगे, टांग भी नहीं साथ देगी, क्या करोगे, इतना मकान वकान सब बना डालोगे तो कुछ तुम्हारे काम नहीं आएगा। काम क्या आएगा, भगवान का चिंतन, भगवान का भजन, सत्संग, गुरु, गुरु की महिमा का जितना गान किया होगा उतनी अंदर भरी होगी, उतना विपरीत परिस्थितियों में तुमको शांति देगी, तो वो करो। तो गुरु जी क्या कह रहे हैं कि जगत की चिंता पिछले छोड़ दो और भगवान का ही चिंतन करो। जगत का चिंतन करते रहने से क्या होता है, ये सब चलनहार जब चलने वाला है, सब चलता चला जा रहा है, तुम पकड़ के बैठो तो भी तुम चलता चला जाएगा, रुकेगा नहीं वो। तो कीजिए सब जब चलनहार है तो किस नाल कीजिए दोस्ती। अब किसी से भी दोस्ती करेंगे उसको पकड़ के रोक नहीं पाएंगे, समय आगे बढ़ जाएगा, आप पीछे के पीछे रह जाएंगे। क्या कीजिए, गुरु का संग कीजिए, गुरु का जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके ध्यान कीजिए, गुरु के साथ रहिए, गुरु की सेवा कीजिए, और उसी से आपके मन को शांति स्थिरता मिलेगी। और जो आपको चार पदार्थ मिलेंगे भी तो उनका आप उपभोग कर पाएंगे शांति से, वरना और की चिंता में जो है उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, और 99 जैसे 100 के चक्कर में 99 में से खर्च नहीं कर पाएंगे। और गुरु जी क्या कहते हैं, अरे जो आज है खाओ पियो कल की छोड़ो, 99 और 100 के चक्कर में ना पड़ो। गुरु का ज्ञान ये कहता है जोड़ो संचय ये वो, तो समय का क्या भरोसा है, कितना जोड़ के रख रहे हो छोड़ चले गए। बहुत से ऐसे समाचार में आए हैं कि भिखारी भीख मांग मांग के सूखा सूखा खाते रहे, और जब उनके जिस पे बैठते थे उसके नीचे से 3-4 लाख रुपए निकला, और जिंदगी कैसे बिताई, वो सूखी सूखी रोटी मांग मांग खा कर करके, अरे खर्च के खाना चाहिए, नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, ज्ञान नहीं है, यही अज्ञान जो है मनुष्य को जीने नहीं देता। और ज्ञान, गुरु का ज्ञान, संसार में कैसे चलना है, कैसे जीना है, कैसे खाना है, कैसे पहनना, कैसे रहना है, सारे शहूर ज्ञान से आते हैं। सत्संग में आने के बाद ये अकल आई कि जीना कैसे होता है, क्या कैसे जिया जाता है, कैसे दूसरे के साथ व्यवहार करना है, हम कुछ नहीं कर पाते। हम बहुत हमारा चित्त मक्खी के पित्त जैसा कंजूस है, इस चीज के लिए कुछ करना हो तो सीखने के बाद भी हाथ रोकने लगता है। इतना सत्संग करने के बाद भी कंजूसी जाती नहीं जो हमारे संस्कार में भरी हुई है। और गुरु क्या करता है, संस्कार बदल देता है, ऐसा कोई नहीं है उसमें हमारे संस्कार बदल दे, गुरु जी संस्कार तक बदल देते।
जब दिल लगाया, जब दिल का लगाव प्रभु से होता है, वही हमारा प्रसाद खा पाता है। प्रसाद प्रेम से खाना चाहिए, प्रसाद बड़े भाग्य से मिलता है। फिर गुरु स्वयं बनाकर दे, ये बहुत बड़ी बात। जो गुरु जी के हाथ से मिले खाने के लिए, वो तो बहुत बड़ी बात। गुरु जी ने कितनी बार हम लोग को, भक्तों को वहां पर हाथ से बना बना के क्या क्या खिलाया है। वाह वाह, वो स्वाद, वो खाने का मजा हम लोगों ने कहीं पाया नहीं। वो उस तरह का डिश कहीं भी बाहर बड़े से बड़े होटलों में खाया, वो स्वाद कभी नहीं पाया। वो उस तरह से संतुष्टि कभी कहीं नहीं हुई। सच सच बता रहे हैं, दिल से बता रहे हैं कि जो संतुष्टि, जो तृप्ति भगवान जी के हाथ से खाने से मिली, जो प्रेम से दिल भरा भगवान जी के प्रेम से, वो कहीं से नहीं भरा, भर नहीं सकता। कोई ऐसा है नहीं गुरु जी के जैसा, कोई हो नहीं सकता। इसीलिए तो बोला है कि राम तजू मैं गुरु को न बिसारू, गुरु के सम हरि को न निहारू। क्योंकि गुरु से बड़ा प्यार करने वाला कोई नहीं है। भगवान तो न्याय करता है, जो किया उसका फल वैसा वैसा देता है। गुरु तो हमारे भाग्य को बदल देता है। जो चीज भाग्य में नहीं है वो भी गुरु की कृपा से मिल जाती है। सबसे बड़ी जो उस विशेषता है गुरु की, ये परंतु मन ऐसा है कि प्रसाद ही प्रेम से नहीं खाता। बहुत बेवकूफ है, बहुत अभागे हैं जो गुरु का प्रसाद मिले और मन से ना खाए। अरे बहुत से लोगों के डायरिया तक में चने के प्रसाद से डायरिया ठीक हुआ है, और उसमें डायरिया में चना तो बिल्कुल ही मना होता है, और गुरु जी ने प्रसाद दिया वो खिला दिएगा, वो ठीक हो गए। आप देखिए क्या क्या लीला है भगवान की। अरे क्या बताएं भगवान की महिमा बहुत है, कैसे बताएं। हम आपको एक बड़ा अच्छा उदाहरण बता रहे हैं। वो भक्त हमको भी बहुत प्यारा है, लेकिन नाम लेना है इसका हमको, अपने राकेश पप्पू। ये गुरुजी को ले जाना था इलेक्शन में जीप चला करके, और कोई ड्राइवर नहीं था और कोई ऐसा नहीं था जो जीप चला के ले जाए। और पप्पू के बेचारे के पेट में अपेंडिसाइटिस का पेन उठा था, और गुरुजी के मुंह से निकला कि हमको ले चलो। वो उसी पेन में उनको लेके गए, कहां गोरखपुर से आगे जहां इलेक्शन था वहां तक लेके गए, जहां डॉक्टर की सुविधा भी उपलब्ध नहीं। और जब वहां पहुंचे तो ये हुआ कि लेट हो गए, तो जीजाजी को दिक्कत भी हुई, फिर भी इन्होंने उफरी किया, और उसके बाद गुरुजी की सेवा में लगे रहे, और दर्द ठीक हो गया। दर्द कैसे ठीक हो गया, कौन सी चीज की दर्द ठीक हो गया, ना तो कोई वहां डॉक्टर था। दर्द ठीक क्यों हो गया, आप सोचिए दर्द कैसे ठीक हो गया। दर्द ठीक होने का कारण क्या था भाई, तकलीफ उठी है अपेंडिक्स की, दर्द हो रहा है, सब छोड़ के काम चल दिए भगवान जी के साथ, दर्द की भी चिंता नहीं की और चले गए। कितनी कितनी बड़ी है महानता है ये, कितना बड़ा गुण है ये, गुरु सीखने वाला है। गुरु के प्रति कैसा समर्पित होना चाहिए व्यक्ति को, भक्त को, ये सीखने वाली बात है हर एक से। और पप्पू चले गए और दर्द के उसमें भी, और शायद आंटी के नॉलेज में भी था, लेकिन आंटी ने नहीं रोका, वो तो और महान, वो तो कहीं नहीं कुछ नहीं गुरु के साथ गया कुछ नहीं होगा, वो और ऊपर से तगड़े संकल्प वाली। और पप्पू गए, लौट के आए तक शायद दर्द वर्द सब गायब हो गया था, लेकिन सेवा करके जो उन्होंने अपना गुरु जी के हृदय में जो स्थान बनाया, जो स्थान पाया, वो छोटा स्थान है, बहुत ऊंचा स्थान है, बहुत बड़ा स्थान है। ऐसी ऐसी लोग सेवा करते हैं, ऐसे ऐसों से सीखने वाला है कि गुरु की सेवा किस हद तक की जाती है, देखा आपने। तो इसलिए कहते हैं जीवन सफल बनाया ना, आखिर तो जीवन नश्वर है ही है। एक का आज, एक का कल, एक का परसों, 2 साल, 10 साल, 15 साल, कभी भी, लेकिन उसी जिंदगी में गुरु का कितना काम किया, कितना गुरु जी का काम आए,
इतनी सेवा की, कितना गुरु जी ने जान लिया, देखा आपने, इसको कहते हैं गुरु की सेवा। तो ऐसा भक्त सबकी आंखों का तारा नहीं होगा, जो भी तेरा प्यारा हो, मेरे दिल का प्यारा हो, मेरे सर का ताज, मेरी अखियों का ताजा हो। हमको पप्पू बहुत प्यारे हैं, बहुत उनको हम प्यार करते थे, बहुत। इतने बड़े होने के बाद भी कभी कभी गुरु जी से जैसे जाते थे, स्कूटर बात होती थी पप्पू की भी, तो गुरु जी जब कहते थे कुछ बात होती थी, तो हम कहते गुरु जी वो पप्पू इतना बड़ा हो गया, शादी हो गई, उसका लड़का आ गया, लेकिन पप्पू हमको पता नहीं क्यों, उसको देख के हम शो तो नहीं करते, लेकिन उसको देख के हम ऐसा लगता है कि अभी पप्पू छोटा ही सा है, प्यारा सा है, बहुत प्यारा है। उसका व्यवहार ऐसा, उसका नेचर ऐसा, वो किसी की कोई जरूरत हो तुरंत तैयार काम करने की, हमने नहीं देखा इतना एकदम हर चीज के लिए रेडी। कोई आदमी अपना स्थान बना लेता है, हर बात, हर भक्त में अलग अलौकिक एक गुण होता है, जो कभी भी होगा तो वो बात मुंह पे आएगी ही आएगी, जमा पे उसकी वो काबिलियत आएगी ही आएगी। हमने उसकी सेवा करते हुए देखा है, हमको बहुत अच्छी, बहुत पसंद आती, हम बहुत खुश होते हैं। परंतु मन ऐसा है कि प्रसाद भी प्रेम से नहीं खाता, जगन्नाथ के मंदिर में भात कैसे खाते हैं, जबकि वहां हर जाति के लोग साथ बैठकर खाते हैं। गुरु जी कह रहे हैं कि कुछ लोग अपने बड़े टीप टाप अपने पहन के आए हैं, उनको कुर्सी ही चाहिए, प्रसाद बड़ा ढंग से चाहिए, ठीक है। और गुरु जी कह रहे हैं जगन्नाथ जी के मंदिर जब जाते हैं तो वहां बड़े बड़े हंडों में चावल पकता है और सब लाइन से बिठाए जाते हैं, वहां ना अमीर ना गरीब ना छोटी जात ना बड़ी जात, सब लाइन से बैठते हैं, सबको लाइन से प्रसाद मिलता है। तो गुरु जी कहे वहां तब कैसे खाते हो, वहां कैसे खाते हैं प्रसाद, कदर नहीं जानते जो गुरु के प्रसाद की। ये उन लोग के लिए गुरु जी कह रहे हैं कि गुरु के हाथ के प्रसाद की कदर बहुत बड़ी है। गुरु जी का हमें याद है जब सत्संग के बाद ऊपर छत पे जाके थोड़ी देर लेटते थे, तब कहीं जाते थे थोड़ा रेस्ट करके, तो उस समय सबके टिफिन खुलते थे, जो पराठी अचार या सब्जी के साथ गुरु जी देते थे, हम आपको ईमानदारी से बोल रहे हैं, जो मिठास उस दिए हुए थोड़ा थोड़ा खाना सबका बांटते थे गुरु जी, सबको देना होता था तो जितना जितना सबको मिले, उसमें जो स्वाद आता था वो स्वाद बता नहीं सकते, वो स्वाद का मजा बता नहीं सकते, इतना अच्छा स्वाद उसमें होता था। जब हम आपको बता रहे हैं तो हमारे आंख के सामने वो दृश्य पूरा है, गुरु जी छत पर चदरा ओढ़ के लेटते थे और सबको बांटते थे, एक जना लगा के देता था, बहन जी है, लक्ष्मी आंटी है, प्रभा आंटी है, ये सब लगा लगा गुरु जी के हाथ देती थी, गुरु देती थी और गुरु जी सबको देते जाते थे। उसमें जो टेस्ट आता था, वो जो टेस्ट आता था, उस टेस्ट को वर्णन नहीं किया जा सकता। हम लोग लबक लबक के लेते थे, चाहे कुछ भी खा के आए हो, चाहे भूखे हो, चाहे पेट भरा हो, चाहे कुछ हो, वो नहीं छोड़ पाते थे। और उसमें इतना स्वाद आता था उसकी हम क्या बताएं भाई, ऐसा ऐसा समय, वो समय इतना अलौकिक, इतना सुंदर। क्यों कृष्ण जी जब सब गोपियों के फड़िया तोड़ तोड़ के मक्खन खाते थे तो शिकायतें जरूर करती थी वो लोग यशोदा जी से, लेकिन जब जिस दिन कृष्ण जी हड़िया फोड़ के मक्खन ना निकाले तो दुखी होती थी, अरे आज हड़िया नहीं तोड़ी, आज कान्हा ने हमारी हड्डिया तोड़ के मक्खन नहीं चुराया उसमें से, तब भी तकलीफ होती थी लोगों को, अरे चुरा के खाते थे तो शिकायत करती थी ये देखिए कैसी कृष्ण लीला, कैसी मजेदार, खा रहे हैं तो शिकायत हो रही है, नहीं खा रहे तो आज क्यों नहीं खाया, क्योंकि उनकी वो मक्खन चुराने खाने की बात नहीं, उनको उनकी लीला मजा आता था। तो हम लोग को जब गुरु जी बांटते थे, सबको देते थे, वो दृश्य बड़ा बड़ा विचित्र, बड़ा अनोखा होता था। उस समय वीडियो बनाने का कोई इंतजाम नहीं था, अगर वो वीडियो होता आज, आज सर आप देखते हैं, हम लोग सब बैठ करके तो निहाल हो जाते, जो जो देखता वो पता नहीं मस्त हो जाता, निहाल हो जाता दीदी। उस समय ऐसी व्यवस्था नहीं थी गुरु जी की कि हम लोग भर भर के रखे होते और आज देखते। अहंकार कई तरह के होते हैं, विद्या का अहंकार,
जाति का अहंकार, धन का, धर्म का, रूप का अहंकार, अहंकार बहुत परेशान करता है। कितना भी प्रयत्न करो, बिना ज्ञान और बिना गुरु के अहंकार कम नहीं होता। अरे बिना गुरु के अहंकार कम नहीं होता। और हम ये भी देखते हैं कि खूब सत्संग करने हैं, गुरु की आज्ञा माने, गुरु का सत्संग करने के बाद ही कभी कभी ये बड़ा अक्षर एकदम उछल के अहंकार आ ही जाता है, या जो स्वभाव हमारा, जो हमारा दुर्गुण प्रधान होता है, कभी कभी जंप करके आ जाता है इतने के बाद भी। तो उसको उस समय बड़े मुश्किल से पकड़ना पड़ता है, इसलिए उछल के दौड़ उछल के पकड़ो उसको ऐसे से। कभी कभी उछल के बाहर निकल जाता है, गुस्सा कर जाते हैं, अहंकार कर जाते हैं, लोभ कर जाते हैं, मोह कर जाते हैं। बाद में गुरु जी की याद भी आती है, अरे गुरु जी आज ये हमारा अहंकार हमको आगे ले गया, बहुत चला गया, ऐसा भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि, लेकिन ये है कि गुरु जी की नजर पड़ते 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 धीरे धीरे क्या होता है, सब अपने विकारों पर कंट्रोल समान गति से आ जाता है। क्योंकि शुरू में कोई चीज करने के लिए बड़ा अभ्यास करना पड़ता है, गुरु का संग करना पड़ता है, गुरु की बात माननी पड़ती है। बस खाली मानते 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 सारी चीजें हो जाती है। हमारा काम, भक्त का काम खाली मानना है, बस खाली माने, कुछ भी नहीं करना, अपना दिमाग नहीं लगाना। जो बोला गुरु जी ने, दिमाग को पीछे रख दिया, बुद्धि पीछे डाल दी, बस हाँ करके बात मान लिया, बस खत्म। पीछे क्या होना है इससे मतलब नहीं। गुरु जी का ये करना है, हाँ गुरु जी भाई ये कर, गुरु जी का यहाँ जाना, बस हाँ। जो इस तरह से गुरु के सामने चलता है ना, वो सबसे जल्दी अग्रणी श्रेणी में आ जाता है। इतना भी प्रयत्न करो, बिना ज्ञान गुरु के अहंकार कर नहीं होता। अतः अहंकार का नाश करने के लिए गुरु और ज्ञान की शरण में आना आवश्यक है। गुरु ना मारे तो अहंकार का भूत मर ही नहीं सकता। गुरु ही भूत को ताड़ता मारता है, सब विकार चले भी जाएंगे। भगवान जी कह रहे हैं कि सब विकार चले भी जाएंगे, पर अहंकार जल्दी नहीं जाता। गुरु के साथ इतनी रगड़ करनी पड़ती है, तब कहीं सूक्ष्म अहंकार, मैं देह हूं, सारे अहंकार निकलने के बाद देह का अहंकार रहता है, मैं देह हूं, गुरु की इतनी बात मानने के बाद तब का ये सूक्ष्म अहंकार है, तब ये कम होना शुरू होता है। पहले जो स्वभाव का अहंकार खत्म होता है, देह का अहंकार निकटना एक बहुत बड़ा होता है। और इसी जड़ चेतन की ग्रंथी गुरु जी को काटने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जो भक्त नियमित रूप से गुरु का संग करके नियम से उनकी बात खाली मानता रहता है, उसका ऐसा हो जाता है। ऐसा नहीं है संभव है, संभव नहीं है, गुरु के लिए सब संभव है। उसको संभव बनाने के लिए हमको उनका आज्ञाकारी होना, उनकी बात होना बहुत जरूरी है। हमारा सब आराम से हो जाता, पता भी नहीं चलेगा कि कब हो गया। गुरु कह रहे हैं तुम पैर मत छुओ, तुम्हारी पुरानी आदत है संतों का पैर छूने की, पैर धोकर पीने की। पैर पर पैर छूने और धोकर पीने से क्या फायदा, तुम्हारा मुंह ऐसा का वैसा ही रहा। तुम पैर धोकर पीने खूब चलते थे लेकिन मन नहीं बदला, तो गुरु जी कह रहे कोई फायदा नहीं। गुरु जी कह रहे तुम हमारे वचन छुओ, मतलब समझ लिए बहुत बारीक है। खूब पैर छुए, खूब उनके संग किया, खूब साथ रहे, ये संग नहीं हुआ करना कहलाया। उनकी बात मानना मतलब संग करना हुआ, उनका वचन मानना उनका संग करना हुआ। आप वहां गए नहीं, चित्ता का वहीं लगा हुआ है, मतलब आप उनका संग कर रहे हैं। आप वहां होकर के भी आपका चित्त वहां बिल्कुल नहीं लग रहा है, आप वहां पहुंच के भी संग नहीं कर रहे हैं। संग का मतलब बहुत बहुत महीन है, बहुत बारीक है, उसको समझना बहुत जरूरी है। कि हम अगर रोज सत्संग में आते हैं बैठते हैं तो हम समझे कि हम तो गुरु का रोज संग करते हैं, रोज सत्संग करते हैं, हम तो बड़े महान हैं, और हमारा रोज मन अपने घर में लगा हुआ है कि हम दाल चढ़ा के आए थे, कहना भूल गया कि गैस बंद कर देना, दिमाग वहीं लगा हुआ है। हम सत्संग में नहीं है, हम गुरु का संग नहीं कर रहे हैं। वो जो बात सुनते ना, बिन संग ज्ञान नहीं उपजे, तो हम संग तो कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं संग। हमारा दिमाग तो लगा हुआ है किचन में हमारे, कि वहां दाल न जल जाए, कुकर न जल जाए, गैस जलती रह जाए, तो हम गुरु के साथ थोड़ी है। हमारा चित्त गुरु जी में लगा हुआ है, हम गुरु के साथ है,
तब वह बिरतन संग ज्ञान नहीं उचे कल्ले जतन हजार। ये संग करने की बात की जा रही है, उस संग की नहीं की जा रही जो फिजिकल प्रेजेंट है और मेंटली एब्सेंट है। मेंटली प्रेजेंट हो, मेंटली वहां पर है तो हम साथ हैं, हम सत्संग में भी हैं, गुरु के संग भी है, क्योंकि हम बात मान रहे हैं, दिमाग हमारा गुरु में लगा हुआ है, हम साथ हैं। चरण साधु के धोदो पी के बदले वचन साधु के धोदो पीना चाहिए, अर्थात साधु के वचन पर चलोगे तो तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा, गुरु के ज्ञान को मन से सुनोगे तो तुम्हारा मन सुधर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ये अवश्य होगा, इसमें एक भी बात जो है उस पर कोई संदेह की जरूरत नहीं है, बिल्कुल पक्की बात है। और कई बार ऐसा होगा जब आप शुरुआत में सत्संग में सच्ची सच्ची पालना करेंगे कि वचन को छूने की, तो कभी कभी क्या होगा, जैसे आप मान लीजिए किसी का क्रोध करने का स्वभाव, क्रोध निकल गया एकदम से आपको याद आ जाएगा, अरे हमने क्रोध कर दिया, ओह माय गॉड, वो तुरंत आपका आपको याद आ जाएगा, आप एकदम से अब तो झटक के निकल गया, जो निकल गया जो मुंह से शब्द निकल गया आगे आप रोक लेंगे, चाहे जबरन चाहे कैसे भी। तो गुरु के वचन पालन करने की आपकी ये अंदर से एक आपको खुद चेता देगा, गुरु का ये संग किया हुआ, गुरु का साथ किया हुआ जो आपका अभ्यास है वो आपको रोक लेगा, आगे आप गलती नहीं करने पाएंगे, जो गलती झटके से हो गई फिर आप रोक लेंगे। ऐसे करते 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 क्या होगा, जो झटके से निकल जाता है गुस्सा, झटके से निकल गया अहंकार, फिर झटके से भी नहीं निकलेगा, आपका अहंकार आपके आगे आने ही नहीं पाएगा। आप कुछ भी करने से पहले एक मिनट सोचेंगे, विवेक लगाएंगे, तब क्या होगा, आपका गुरु आपका विवेक साथ आगे होगा, आपका मन आपका चित पीछे होगा। जब गुरु आगे होगा विवेक आगे होगा तो पहले बोल देगा तो देकर चलो शांति रखते, इसको शांति सुधार रखते, क्या फायदा हुआ गुरु का साथ करने से, आप में जो सुधार हुआ वो तो अलग की बात है, लेकिन क्रोध में आकर सड़क पर लड़ गए और वो चार छह आदमी तो जब कूट देंगे हड्डी पसली तोड़ पाड़ के बराबर कर देंगे, तो आप एक तो आपका मन सुधरा गुरु का वचन मानने से, वचन गुरु के धोधो पीने से आपको मन पे काबू पाया, और संसार में पिटने से बच गए वो अलग, उसके बाद मतलब पट्टी होती वो अलग, तो कितना फायदा हुआ, गुरु के वचन मानने से बहुत फायदे हैं, अनगिनत फायदे हैं। इसलिए सिर्फ गुरु के वचन को पीना है धोधो के। चरण छूने का मतलब ये नहीं कि उनका चरण ना छुइए, उनके आगे झुकिए नहीं, शिष्टाचार में जो करना हो तो करना है, लेकिन मन को झुकाइए गुरु के चरणों में, बुद्धि को अर्पित कीजिए, क्या गुरु के पास बैठे तो चित्त गुरु में ही लगा रहे, उनके वचन सुने और अंदर रहता जाए, और जब व्यवहार में जाए वो वचन पालन करने की हमारे अंदर से एक योजना होनी चाहिए कि हम क्रोध पे कंट्रोल करें। आज अपना क्रोध दिन भर में नहीं करेंगे एक बार में, और जपते रहेंगे तो क्रोध के मौके कई बार आएंगे, क्रोध से हम बच जाएंगे, क्यों, क्यों हमने आज गुरु ईश्वर ने संकल्प किया कि हम क्रोध पे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और कर ले जाएंगे। ऐसे करते करते हमारे धीरे धीरे विकार, गुरु का संग और नित अभ्यास नित वैराग, गुरु के वचन धो धो के पिएंगे तो हमारा सब चीज सुधरती जाएगी। लोग कहेंगे इसको क्या हो गया, अरे ये तो बदल गया, लोग आश्चर्य करेंगे, लोग तो लोग आपको आश्चर्य होगा, अरे ये हम हैं, ये हम हैं, सच बता रहे हैं, जब आपका स्वभाव बदलेगा तो आपको अपने पे आश्चर्य होगा, यार हम कैसे ऐसे हो गए, हम कब से ऐसे हो गए, वाह भगवान जी वाह गुरु जी, आपका एक साथ कितना कितना फायदेमंद है, आपका संग आपका ज्ञान कितना फायदेमंद है। जिस दिन ये आपके अनुभव में आ जाएगा, जो कहा जाता है ना जो अनुभव का ज्ञान उजलता की वाणी, ये अकथ कहानी, आप ये जो अनुभव में आपके बात आएगी या आप इसी को बताएंगे तो इतना खुश होंगे कि बता नहीं पाएंगे आप कैसे बताएं, क्योंकि तो आपको जो अनुभव हुआ है, आपका अनुभव बड़ा बढ़िया हुआ कि आज आपने क्रोध पे विजय मिल गई गुरु की कृपा से, आपने नहीं पाई, फिर यहाँ पर एक सूक्ष्मता में अहंकार आ जाएगा, यही देह का अहंकार, यही सूक्ष्म अहंकार है कि मैंने आज क्रोध पे विजय पा ली, अगले क्षण क्रोध हो जाए, हमने एक अहंकार किया था एक दो तीन दिन पहले बात बताई नहीं थी, हम अभी तक हमारी वो चीज मिली नहीं है जो जिंदगी में जब से नौकरी कर रहे हैं कितने साल की हमने, तब से इतने सालों में कभी नहीं ऐसा हुआ कि हमको ना मिली हो एक बार में, हमेशा एक बार मिली,
जिस दिन हमने कहा उस दिन से आज तक नहीं, कितनी बार ढूंढ चुके हैं ये हमें बता नहीं सकते, बहुत बार ढूंढ चुके हैं। इसलिए हम दूध के जले हुए हैं, इसलिए बोल रहे हैं। देखिए एक गलती से अहंकार हो गया, उसने हमको इतना जिला दिया। तो अहंकार जो है मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। और एक अहंकार आया कि पूरी फौज फिर विकारों में तैयार बैठी सब अंदर आ जाएगी, और इतनी ज्यादा आ जाएगी कि आपको लगेगा मैं कभी सत्संग गया भी था, इतने घोर बदसंगी लगने लगेंगे अपने को। तो कहने का सारांश ये है कि विकारों पे कंट्रोल पाना मनुष्य के वश की बात नहीं है, खाली गुरु की कृपा से हो सकता है। इसे गुरु के की वचनों को पालन करना, उनके वचन को मानना, उनके अनुसार चलना, सत्संग का नियम पालन करना, उनकी बात को मानना, ये हमारा फर्ज है। और अहंकार जब कभी सूक्ष्म आएगा, कभी कभी पता लगेगा, कभी पता नहीं लगेगा, हो भी जाएगा जैसे हो जाता झटके, लेकिन बहुत बार पता लगने लग जाएगा सत्संग करते करते, फिर अभ्यास हो जाएगा। और ज्ञान सब ज्ञान री, ब्रह्म ज्ञान एक ज्ञान, जैसे गोला दो का मार करे मैदान। गुरु जी से मिलने के पहले बहुत जगह सत्संग है, बहुत वो जो होते हैं, जो भी होते हैं संतों के, जो वो होते हैं मठ और ये और वो क्या क्या होते हैं आश्रम आश्रम, बहुत जगह गए। हमने कभी नहीं देखा कि हमारा क्रोध कम हुआ, हमने कभी नहीं देखा कि हमारा अहंकार कम हुआ, कभी लोभ नहीं कम हुआ, कभी कंजूसी नहीं कम हुई। उदारता की बात छोड़ दीजिए, कंजूसी खत्म हो तो उदारता आएगी, तो कंजूसी खत्म हो पहले, तो वो भी नहीं हुई, सब वैसे ही था। लेकिन और ज्ञान सब ज्ञान भी, ब्रह्म ज्ञान एक ज्ञान, जैसे गोला तोप का मार करे मैदान। हम गुरु जी के पास आए तब हमने देखा, हाँ हमने तब जाना कि ब्रह्म ज्ञानी गुरु जी क्या है। ये है, ऐसा कर देते हैं ऐसा हो जाता है, जिसको असंभव समझते थे वो संभव हो गया। अरे सारी चीजें तो बिल्कुल जैसे, अब हम क्या बताएं, जैसे जैसे जो अनुभव किए होगा उसको हमारी बात समझ में आ रही है। इसी तो कहा ना अनुभव का ज्ञान, जिसने जिसने जो अनुभव किया होगा वो वहां वहां से इस बात का अर्थ समझ रहा है। कि फिर आपको बड़ा अचंभा लगेगा अपने को, कि खुद को कह रहे हम तो बड़े क्रोधित थे, हमारा क्रोध कब कैसे हुआ, गुरु जी की मेहरबानी से। तो धन्यवाद इस बात का गुरु जी को ही देना है, अपने पे इसका श्रेय नहीं लेना है, नहीं तो क्रोध फिर वैसे ही रहेगा, अहंकार फिर वैसे ही रहेगा, क्योंकि सूक्ष्म में हमारा अहंकार मोटा होता जा रहा है। ऐसा करके हम अपने अहंकार जो सूक्ष्म था उसको मजबूत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करने का है। हमको हर बात में हर अच्छी बात का धन्यवाद गुरु को देना है, और जो गलती हो वो अपने पे लेना, ये गलत हुआ या हमारे मन की वजह से हुआ, फिर जो नहीं ठीक कर पा रहे भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, भगवान ये हम ऐसा गलती बाबा कर जाते हैं, और बार बार कहते हैं कि नहीं करेंगे, बाबा कर जाते हैं, भगवान हम क्या करें, हम हार गए हैं इस मन से, गुरु जी अब आप हमारे इस मन से हमको कैसे ठीक करिएगा, आप जानिए भगवान, हमने खाली संकल्प किया है और आपके सामने अर्पित कर दिया, अब भगवान गुरु जी आप हमें इसको संकल्प को पूरा करने की ताकत दे दीजिए भगवान। देखिए ऐसे आप प्रार्थना करेंगे प्रार्थना सुनी जाएगी, जिस दिन आप ऐसे प्रार्थना करें और ये प्रार्थना ना पूरी हो हमसे बताइएगा, हम आपके सामने हारी मान लेंगे। ऐसा हो नहीं सकता, गुरु के पास वो शक्ति है कि सच्चे दिल से अगर आपने संकल्प किया, सच्चे मन से आपने गुरु से प्रार्थना की, ये अवश्य पूरा होगा। मैं इस पे इसको लिख के दे सकता हूँ, गुरु जी के बिहाफ पे मैं लिख के दे सकता हूँ, लेकिन सच्चाई से होना चाहिए, जरा सी भी खोट होगी तो ये नहीं होगा। सच सच मन से जो ये करेगा उसका ऐसा अवश्य होगा। कणकण में भगवान है ऐसा निश्चय करो, यह निश्चय चाहे आज करो चाहे बहुत वर्षों बाद करो, पर करना तो अवश्य पड़ेगा। भगवान जी कह रहे हैं कि ये निश्चय भैया करना तो पड़ेगा, चाहे आज करो चाहे कल करो चाहे वर्षों बाद करो। वर्षों बाद उम्र इतनी निकल जाएगी कि सारा शरीर हमारा साथ दे रहा होगा, हिल रहा होगा, इंद्रियां भी साथ छोड़ चुकी होगी, तब हमने तय किया तो हम फिर उसका समय कितना बचेगा। हालांकि समय किसी का पक्का नहीं है कल का कि कब क्या हो, फिर भी अगर बहुत टालते गए टालते गए टालते गए तो रावण सीढ़ी बना रहा था स्वर्ग तक जाने की, बना नहीं पाया। हम भी सोचते रहेंगे हाँ हम कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे, सोचते सोचते समय निकल जाएगा। जो कणकण में भगवान है ऐसा निश्चय करो,
ये निश्चय चाहे आज करो, अभी करो, चाहे जब करो, चाहे बहुत वर्षों बाद करो, पर करना अवश्य पड़ेगा, तो जल्दी ही क्यों ना कर ले। अतः जल्दी ही निश्चय कर लो तो अच्छा है। जैसे बिजली की फिटिंग है, पर जब तक मेन पावर से तार नहीं जुड़ेगा तब तक रोशनी नहीं होगी। तो भाई रोशनी जल्दी चाहिए, तो जल्दी से मेन से तार जुड़वा ले तो रोशनी तो घर में आए, फिटिंग पूरी तैयार है, पावर हाउस तैयार है, तार नहीं जोड़ा। इतना अच्छा गुरु मिला है, हमने गुरु को देख भी लिया है, पात्र भी है, पावर हाउस भी है, तो गुरु से जुड़ जाए ना एक बार, तो जुड़ के देखें, और एक बार जुड़ के वो मजा आ गया ना, तो फिर आप किसी से पूछेंगे नहीं, किसी से दरियाफ्त तो नहीं करेंगे, आपको खुद जुड़ने का मन बढ़ता जाएगा। क्यों? अब आपके अनुभव में आ गया, आपके अनुभव में ये आ गया कि हम गुरु जी पर एक दिन खाली गए थे, उसके बाद हमारा ये एहसास हो गया मन में। बस एक बार आपको इस तरह का अनुभव हुआ कि जो कहा गया ना अनुभव का ज्ञान उज्जवलता की वाणी, तब आपके अंदर उस अनुभव का अंदर एक फुट आ जाएगा, एक प्रकाश आ जाएगा, फिर आप किसी से इसका कंफर्मेशन लेने भी नहीं जाएंगे। क्यों? कि आप कंफर्म खुद कर चुके हैं कि गुरु जी के इतने से संग करने का ये परिणाम हुआ है, तो अगर हम ज्यादा से ज्यादा संग जितना जितना करेंगे कितना कितना फायदा होगा। अब आप खुद सोचिए कि लोग भक्त लोग पागल नहीं है, दुनिया पागल कहती है लेकिन वो पागल नहीं है, वो कितनी बड़ी चीज पाते हैं जो दुनिया वाले कभी नहीं पा सकते। वो मन की इतनी ठंडक, इतनी शांति, इतनी चैन, इतना आनंद पाते हैं, इसलिए धूप में, हवा में, बरसात में, लू में, गर्मी में, कच्चे में, पक्के में भाग भाग के क्यों जाते हैं? कभी सोचा कि लोग जंगलों में भाग भाग के क्यों जाते हैं? थोड़ा इस पर चिंतन करके देखिए, वहां क्यों जाते हैं लोग? इतनी दूर दूर चढ़ के, पहाड़ियां चढ़ चढ़ के बड़े बड़े तीर्थों में जाते हैं, कुछ शांति तो मिलती ही होगी, भले वो शांति को बरकरार रख पाए, इधर रख पाए, उनकी योग्यता के ऊपर है, उससे मतलब नहीं है, मिलती तो है, स्थानों का महत्व है, ऐसे गुरु का महत्व है। आप जाएंगे आपको अवश्य फायदा होगा, अवश्य कुछ समझ में आएगा, फिर आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि हम जाएं वहां कि ना जाएं, आप खुद तलब लग जाएगी। एक बार अगर आपको वहां का चस्का लग गया, एक बार आपने वहां का आनंद पा लिया, फिर किसी से कहना, किसी को आपको कहना ही नहीं पड़ा कि जाओ भाई सत्संग जाओ, आप उस समय खुद तैयार होंगे। जिस समय हमारी माँ को, चाची को दिन भर लेटी रहती थी, सोया करे लेटे रहे, कपड़े ऐसी पड़े पड़े, कुछ नहीं करती थी, गुरु जी ने एक बार उनको ऐसे करके देखा, यूं करके उनकी आंख में आंख मिला करके, चारों आंखें मिला के देखा, हमारी माता जी को, चाची को, क्या जादू हुआ भाई। शाम को 4 बजा हमारी मदर रेडी, मुझको छोड़ा, जो कभी निकलती नहीं थी, कई साल नहीं निकली, और उनका ये हाल कि अब शाम को चैन नहीं पड़ रही, फड़फड़ा रही। क्यों? कि गुरु जी का वो देख लिया। नूर देखा है जब से तेरा सदगुरु, आंखें मेरी खुली खुली रह गई। जिसने एक बार गुरु जी को सच्चे मन से देखा और अनुभव कर लिया, फिर उसकी आंखें खुल जाती है, फिर वो रुक नहीं सकता। उसको बताने की जरूरत नहीं, उसको किसी को कहने की जरूरत नहीं, वो खुद भाग भाग नहीं जाए। इसलिए एक बार दो चीज देखना जरूरी है ना, देख लेंगे तो आप बराबर रहे। जैसे बिजली की फिटिंग है, पर जब तक मेन पावर से तार नहीं जुड़ता तब तक रोशनी नहीं होगी, उसी तरह चित्त तो है, पर जब तक चित्त का तार भगवान से, गुरु जी से नहीं जुड़ेगा, तब तक ज्ञान रूपी उजाला अंदर नहीं आएगा। एक बार चित्त जुड़ जाएगा और उसका मजा आ जाएगा, फिर एक बार तार जोड़ दिया तो जब खटका ऑन किया, बत्ती आ जाएगी, आपने खटका ऑफ किया, बत्ती बंद हो जाएगी। तो अब आपके पास ज्ञान का प्रकाश का भंडार आ गया। अब आपको क्या करना है? आप संसार से थोड़ा सा कार्य खाली हुए, अपने गुरु जी का ध्यान किया, आनंद में आ गया, उनकी याद में चले गए, थोड़ी देर उनकी याद में खोए रहा, तो आपको समय आनंद से बीता। ऐसे करते करते आपका समय बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, फिर ये काफी बढ़ता जाएगा। धीरे धीरे क्या होगा? सतगुरु सहज समाधि सिखाया, सोहम का मंत्र जपाया। आपको सहज समाधि भी लगने लगेगी, कहीं जाना नहीं आना नहीं, ना तो कहीं जाना ना तो कहीं आना, ब्रह्मानंद कहे अपने आप में समाना, अपने आप में आपको गुरु जी दिखा देंगे, आपको अपने अंदर मजा आने लगेगी। फिर आपको भागा भूगी ये मतलब नहीं हुआ कि सत्संग छोड़ के घर में बैठ जाए कि हमको आ गया, ये इसका मतलब नहीं होता।
इसका मतलब ये कि नियम से जहाँ गुरु जी का दर है वहां जाना है, रिचार्ज होके आना है, बैटरी चार्ज इतनी हुई है, 100% भी हो जाती तो भी डिस्चार्ज होती जाती है, धीरे धीरे कम होती जाती है, चार्ज करने तो पावर हाउस आना ही पड़ेगा ना, ये न सोच के बैठ जाए कि बैटरी के बाद चार्ज हो गई तो जिंदगी के बाद चार्ज रहेगी, ऐसा नहीं है, ये भूल मनुष्य को बिठा देती है। कभी कभी मनुष्य भूल में आता है, हमने गुरु का ज्ञान प्राप्त करा है, अब गुरु की क्या जरूरत है, अब तो हमको ध्यान आ गया, हम जहाँ बैठते हैं ध्यान लग जाता है, ये थोड़े दिन का है, पक्का नहीं हुआ अभी, बैटरी को वहां पर चार्ज कराना पड़ेगा। जब बैटरी हमारी पावर बैंक बन जाएगी गुरु जी की कृपा से, जब गुरु जी बना देंगे कहेंगे कि जाओ अब तुम सब दिशाओं में तुमको भगवान दिखेगा, समझिएगा कि आपको पूरा ज्ञान हो गया है। जब तक गुरु जी सर्टिफिकेट ना दे, चक्कर लगाना है, उनकी आज्ञा मानना है, उनका संग करना है, सत्संग का नियम करना है, बैठना नहीं है। मन ही माया है, माया को छोड़ भी सके और माया को पकड़ भी सके तो माया अच्छी है। भगवान जी को देखा था हमने, बैठे हैं प्रभु जी, बैठे हैं पूजा बैठी है, सबके साथ बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, सत्संग हो रहा है, जहां सत्संग जाने का समय आया सट से निकल गए, तब न प्रभु जी याद है, न बच्चे याद है, न कुछ घर याद है, न सामान याद है, न घर में क्या है, कुछ नहीं, नथिंग। तो जैसे माया में बैठे थे लोग समझेंगे ये तो बड़े माया में लीन है, मस्त है, जो हम यही कहेंगे मंदबुद्धि वाले, जो मन मुख है उनको हम मंदबुद्धि कहेंगे, और जो गुरु मुख है, जिनकी भक्ति गुरु है, वो जानते हैं कि गुरु जी बैठे हैं, काबू उठ के चल देंगे, कितनी स्पीड चल देंगे, हम यही छूट ना जाए, तो सब रेडी रहते थे गुरु जी के पास। इनका पता नहीं है कब ये माया में बैठे हैं, माया छोड़ कब कहां निकल जाएंगे पता नहीं, याद भी नहीं करेंगे। और कभी भी ऐसा नहीं होता था गुरु जी यहाँ घर में प्रभु जी बैठे सब कर रहे हैं, रस्ते में कभी उन्होंने प्रभु जी का किसी का नाम लिया हो, मैंने कभी नहीं देखा इतने सालों में, हमने इतने सालों में कभी कुछ नहीं देखा है कि कोई घर की बात सोची हो, किसी की बात सोची हो, जहां है वही भगवान के यहाँ सत्संग बैठे, सत्संग की बात हो रही, सत्संग में लीन है, दांत में दर्द है तो दांत में दर्द होता रहे, उनको असर नहीं करता था, वो इतना इससे ऊपर था। तो इसलिए जो गलत गलत फहमी में रहता है वो अपना नुकसान करता है, वो मंद बुद्धि होता है, वो खुद ही भाग जाता है, संसार में चला जाता है, ये कह के कि गुरु तो अपने इतना काम करते हम लोग समझना करते हैं। अरे उस स्थान में पहुंचो तो पहले कि जब सामने माया है, माया को वापर रहे और छोड़ चलना है, जानते भी नहीं कि क्या था क्या नहीं है, चल दिए। तो मन ही माया है, माया को छोड़ भी सके और पकड़ भी सके तो माया अच्छी है, पर हम माया को पकड़ तो लेते हैं और भगवान को छोड़ देते हैं। मन कहता है मैंने बहुत किया पर ऐसा न सोचो तो अच्छा है, गुरु जी कह रहे मैंने बहुत भजन कर लिया, बहुत ज्ञान हो गया, ऐसा कभी मत सोचो तो अच्छा है, नहीं तो ये मन तुमको सुला देगा और लिटा देगा कि हमने तो ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो पोते पोती में घर परिवार में मस्त हो जाएगा, कहेगा मैं तो ज्ञानी हूं, मैं जब चाहूं गुरु जी की धार में बैठ जाऊंगा। गुरु जी कह रहे हैं ऐसा ना सोचे तो अच्छा है का इशारा मतलब क्या है गुरु जी का? गुरु जी का इशारा साफ है कि माया में लीन होके भगवान का सत्संग टाइम छोड़ करके ना बैठा रहे। तो ये जो ज्ञान थोड़ा बहुत आया भी है कि कब फुल हो जाएगा पता नहीं चले, किया हुआ करके छोड़ दे तो खाली नहीं जाता, किया हुआ मिलता अवश्य है। आज घर के लिए करते हुए हजारों खर्च करते हो पर उसको नहीं गिनते, भगवान के लिए जरा सा खर्च करोगे तो खिट खिट करोगे। क्या करें, हंसी इसलिए आती है, हंसी और किसी पे नहीं आती है, हंसी अपने पे आ रही है, अपने पे हंसी क्या आ रही है, अपने पे हंसी ऊपर से दिख रही है, अपने पे गुस्सा आता है, और वो दिन याद आ जाता है, वो दृश्य याद आ जाता है कि जरा सा कोई गुरु के लिए भक्त गुरु के लिए कर देता है बड़ा याद रखता है, और गुरु जी इतना कर देते हैं चुके होते हैं वो नहीं याद रखता, जो भक्त गुरु पे थोड़ा सा कर देता है उसको बार बार याद आता, इतना गंदा कितना छोटा कितना मक्खी के पित्त ऐसा हम लोग का मन है, भगवान ने कितना किया होगा कितना किया होगा उसको कभी नहीं जोड़ेगा, लेकिन जरा सा भगवान की तरफ अपना कुछ लग जाएगा उसको हमारा हिसाब रखता है याद रखता है, क्या कैसे कहा जाए इस मन के बारे में,
इस मन को क्या कहा जाए, ऐसे मन को क्या बोला जाए। दिल बाहर तक के सोचिए ये बात कितनी सच है, एकदम 100% सच है। इसलिए हम शर्मिंदगी के मारे हमको हंसी आई अपने पर, हम अपने पैसे हैं और किसी पे नहीं। हमको दृश्य याद आता है, वो अपना समय याद आता है कि हम ऐसे याद रखे थे। देखिए कितना गंदा मन है और कितना पछतावा होता है और दुख भी होता है कि जरा सा गुरु जी के हो गया। हमको मन बार बार याद दिलाता था, हम काटते थे लेकिन याद दिलाता था, हम काटे मार बार वो घूम घूम के याद दिला दे, पता नहीं कहाँ से याद आ जाए और कोई चीज नहीं याद आएगी, वही याद आएगी। मन इतना गंदा है, इतना इतना खराब है। इसे गुरु जी कह रहे ना कि कहते हैं कि यह मिलता है लेकिन मन ये भी नहीं सोचता कि अरे हमारा हो गया तो हो गया, हमें कहीं हजारा से मिलेगा, ये भी नहीं सोचता गुरु जी ने बोला हुआ है। उस समय जो किया है वही याद रखता है। मन इतना बहुत गंदा है। से जो भी हमारे पास है आज, जितना भी है वो गुरु जी की कृपा से है, ये नहीं सोचेगा। इतनी जो प्राप्तियां हैं, इतनी जो रिसीवेबल्स हमारे पास है, इतना सब जो है किसके आशीर्वाद से है। गुरु जी ने तो फॉर्म हमारा दिया था, ले जा, मकान का फॉर्म भर रहे थे तो गुरु जी ने ऐसे दिया था, ले जा, जैसे दे रहे हो, ऐसा उनके शब्द से बोलने का, उनके बोलने का तात्पर्य यही था, लक्ष्य यही था, बोले ले जा, अच्छा दे दिया मकान, फॉर्म अभी भरा भी नहीं, जमा भी नहीं किया, लेकिन भगवान मकान दे दिया, ऐसे बोला था। और देखिए कैसे कहा दिया। लेकिन मन इतना गंदा है, इतना तुच्छ है, इतने ऊंचे इतने बड़े भगवान को पाने के बाद भी हम नहीं याद करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि ये चीज हमको न याद हो, क्योंकि मन घुमा घुमा के याद दिलाएगा। ये मन ऐसा है, इसलिए अपने मन को अपने से अलग मानिए। ये मन आपका नहीं है। आप जिस दिन अपने मन को अपने से अलग देख लेंगे, देखने का अभ्यास कर लेंगे ना, आपको बहुत फायदा हो जाएगा। जो जो चीज मिली है, बहुत चीजें गुरु से मिली है, क्या बताएं, जिंदगी तक तो गुरु जी ने दी है। जिंदगी ना हो तो हम क्या भोगेंगे, क्या इस्तेमाल करेंगे, तो जिंदगी तो भगवान ने दी है। और किसकी बात करें हम, सामान तो छोड़ दीजिए, जब जिंदगी भगवान ने दी है तो भगवान ने क्या नहीं दिया। लेकिन इतना गंदा मन है, ये इतना नीच मन है, ये मन आपको घूम घूम करके आपको वही याद दिलाएगा जो आपने गुरु जी का तरफ आपसे हो गया। आपने कर कैसे दिया है तो छोड़ दीजिए, हो गया कैसे ये भी छोड़ दीजिए, लेकिन हो गया वो याद दिलाएगा कि मन बड़ा दुष्ट है, इससे संभल के बच के इसको अपना कभी ना मानो। जो कुछ मिला है भगवान का, उसको शुक्रिया करके, भगवान का प्रसाद समझ के, चाहे वो खाने की चीज हो, चाहे भोग की चीज हो, कोई हो, सब में गुरु की कृपा को मानिए। मिल गई सतगुरु कृपा से, मिल गई सतगुरु कृपा से, मिल गई दिव्य दृष्टि आत्मा की, मिल गई दिव्य दृष्टि आत्मा की, मिल गई, मिल गई सतगुरु कृपा से, मिल गई सतगुरु कृपा से, मिल गई। पीरों का भी पीर मुर्शिद है मिला, पीरों का है पीर मुर्शिद है मिला, तब से आंखें मेरे मन की खुल गई, 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 मिल गई सतगुरु कृपा से, मिल गई सतगुरु कृपा से, मिल गई। सतगुरु मुझे साफ दर्पण है मिला, सतगुरु मुझे साफ दर्पण है मिला, जिसमें नूरानी झलक है दिख गई।
जिसमें नूरानी झलक है दिख गई, जिसमें नूरानी झलक है दिख गई, जिसमें नूरानी झलक है दिख गई, मिल गई सतगुरु कृपा से मिल गई, मिल गई सतगुरु कृपा से मिल गई, सतगुरु से द्वंद का पर्दा हटा, सतगुरु से द्वंद का पर्दा हटा, माँ आत्मा में एकता है हो गई, 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 मिल गई सतगुरु कृपा से मिल गई, मिल गई सतगुरु कृपा से मिल गई, सतगुरु सच्चा सौदागर है मिला, सतगुरु सच्चा सौदागर है मिला, प्रेम के बाजार में मैं बिक गई, 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 मिल गई सतगुरु कृपा से मिल गई, मिल गई सतगुरु कृपा से मिल गई, ज्ञान प्रेम और भक्ति का मिश्रण मिला, ज्ञान प्रेम और भक्ति का मिश्रण मिला, जन्मों की हो मैं मेरी है छूट गई, 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 मिल गई सतगुरु कृपा से मिल गई, मिल गई सतगुरु कृपा से मिल गई, तेरे वचनों में झुके मस्तक मेरा, तेरे वचनों में झुके है मस्तक मेरा, शुक्रिया है सतगुरु है शुक्रिया, शुक्रिया है सतगुरु है शुक्रिया, शुकरानों विच शक्ति है मिल गई, शुकरानों विच शक्ति है मिल गई, मिल गई सतगुरु कृपा से मिल गई, तेरे वचनों में झुके मस्तक मेरा, तेरे वचनों में झुके मस्तक मेरा, शुक्रिया है सतगुरु है शुक्रिया, शुक्रिया है सतगुरु है शुक्रिया, शुक्राने विच शक्ति है मिल गई, शुक्राने विच
शक्ति है, मिल गई सतगुरु कृपा से मिल गई सतगुरु कृपा से मिल गई। दिव्य दृष्टि आत्मा की मिल गई, दिव्य दृष्टि आत्मा की मिल गई सतगुरु कृपा से मिल गई सतगुरु कृपा से मिल गई। जय सतगुरु। जय जय सतगुरु।